जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए जून जुलाई अगस्त महीने में कटरा या फिर जम्मू आ रहे हैं तो जरूर इस नजारे को देखना ना भूलें, जहां पर 2-2 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतारें देखने को मिल सकती हैं। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि इस समय यात्रा पर मौसम कैसा बना है, आपको ठंड मिलेगी, बारिश मिलेगी या फिर गर्मी मिलेगी, बात करेंगे कितनी भीड़ इस समय यात्रा पर आ रही है, अगर आप यात्रा करने के लिए आते हैं क्या कुछ सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, रुकने की कैसी सुविधाएं मिल जाएंगी, दर्शन में कितना समय लग रहा है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, ये भी बताना ना भूलें कि आप यात्रा करने के लिए कब आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं संपूर्ण जानकारी। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त आते हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि मई जून जुलाई अगस्त महीने में सबसे ज्यादा भीड़ यात्रा करने के लिए कटरा या फिर जम्मू आती है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूं, अभी प्रतिदिन श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर 50,000 तक भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहीं ये आंकड़ा आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जो कि आप सामने भी देख पा रहे हैं। आप भक्त को बता देना चाहता हूं, ये आंकड़ा कटरा में लगभग 60,000 से 70,000 प्रतिदिन देखा जाता है। यही बड़ा कारण है कि कटरा आने वाले कुछ भक्तों को तो होटल की सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं, और अगर सुविधा मिलती भी है तो बहुत महंगे रेट देखने के लिए मिलते हैं होटल के। इसलिए मेरा भक्तों से अनुरोध रहेगा, कोशिश करें आप ऑनलाइन ही होटल की बुकिंग कर लें, जिससे कि आप किसी भी असुविधा से बचें। बहुत सारे भक्तों को इस समय कटरा में होटल की बुकिंग्स तक नहीं मिल पाती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी जानकारी की तरफ, जो कि है RFID कार्ड को लेकर। अगर श्रीमती वैष्णो देवी यात्रा पर आने के लिए आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक करी है या फिर नहीं करी है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ये प्लास्टिक का RFID कार्ड कटरा या फिर जम्मू आकर लेना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ये सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क है, पर श्राइन बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है, जिसके लिए भक्तों को 2-2, 3-3 घंटे लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं भक्तों के लिए इस समय सर दर्द बन गया है, और ये सुविधा पूरी तरीके से ऑफलाइन ही है, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से तो आप इसे बुक नहीं कर सकते हैं। कटरा या फिर जम्मू आकर ही आपको खुद लाइन में लग के इस कार्ड को प्राप्त करना होगा। ये सुविधा लेने के लिए आप सुबह 5 से रात को 10 बजे तक बिल्कुल लाइन में लग के अपना कार्ड ले सकते हैं, पर ध्यान रहे इस कार्ड के बिना आप यात्रा पर एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। RFID कार्ड का काउंटर आपको कटरा या फिर जम्मू में जगह जगह मिल जाएगा, जैसे कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास कटरा चौक, कटरा काउंटर नंबर 2, कटरा हेलीपैड और कटरा का जो नया रास्ता है जिसे हम तारकोट मार कहते हैं, वहाँ आपको सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी इस समय कतारें यात्रा पर देखने के लिए मिल रही है। एक समय तो ऐसा भी आता है जब सिर्फ एंट्री करने के लिए भक्तों की 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें इस समय कटरा में देखने के लिए मिल रही है। आपको मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूं, पर बिल्कुल रूबरू करा रहा हूं, अवगत करा रहा हूं कि अगर आप यात्रा पर जाते हैं क्या असुविधा आ सकती है। साथ में भक्तों को दूसरी असुविधा ये भी आती है, जब आप यात्रा पर जाते हैं तो घोड़े कच्चा पिट्ठू पालकी की सुविधा या तो नहीं मिलती है, और मिलती है तो मनमाने रेट भक्तों को देने पड़ते हैं। उसके लिए भी आप जरूर अपनी जेब ढीली करने के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा भक्तों को पैदल ही यात्रा करनी होगी। मौसम इस समय बात करें तो बहुत सुहावना बना हुआ है, कभी कभी यात्रा पर बारिश भी देखने के लिए मिल सकती है। ये बिल्कुल भी भूल में ना रहे, अगर आप मई जून जुलाई महीने में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको बारिश या ठंड नहीं मिलेगी। पूरी यात्रा देखा जाए तो पर्वत पर ही स्थित है, यानी कि पहाड़ पर ही स्थित है, इसलिए कभी भी मौसम बदल जाता है। थोड़े से ठंड के कपड़े ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, अन्यथा बहुत दिक्कतें आप भक्तों को आ सकती हैं। अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ये भी बताना ना भूलें आप यात्रा करने के लिए कब जा रहे हैं। बात करें अगर यात्रा पर आपको क्या कुछ रुकने की सुविधा मिल जाएगी, आप भक्तों बता देना चाहता हूं, सभी ऑनलाइन रूम या डोरमेट्री की बुकिंग्स फुल हैं। आप अगर भवन या अर्धकुंवारी आते हैं तो यहां पर आपको निःशुल्क धर्मशाला की सुविधा मिल जाएंगी, पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो भक्त रात में लेट पहुंचते हैं भवन या अर्धकुंवारी और रुकना चाहते हैं, ऐसे में उनको ये सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर आप धर्मशाला में रुकने का प्रयास करेंगे या फिर रुकना चाहते हैं अर्धकुंवारी या फिर भवन पे, तो कोशिश करें आप जरूर शाम के 5 या 6 बजे तक पहुंच जाएं जहां पर भी आप रुकना चाहते हैं, अन्यथा उससे लेट जितना आप होते रहेंगे उतनी ही कम सुविधा आपको यात्रा पर मिलती रहेगी। भवन पर आपको दुर्गा भवन मिल जाएगा, जहां पर आपको रुकने की ठीक ठाक सुविधा मिल जाती है। अर्धकुंवारी में भी आपको बहुत सारी रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ये भी बताना ना भूलें आप यात्रा करने के लिए कब जा रही हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, इस समय श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भक्तों को सुविधाएं सभी मिल पा रही हैं, पर जिन भक्तों ने
ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर लिए सिर्फ उन्हें ही वो सुविधा मिल पाती है। ऑफलाइन अगर आप भक्त हेलीकॉप्टर की बुकिंग, रूम की या डोरमेट्री की बुकिंग या बैटरी कार की बुकिंग के बारे में सोचेंगे तो वो लगभग असंभव ही है। ऐसे में आप भक्तों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पैदल ही यात्रा करें या घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी के माध्यम से यात्रा करें। अब हम वीडियो में बात करते हैं, अगर आप श्रीमती वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आते हैं तो कितना ज्यादा दर्शन में आपको समय लग सकता है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, इस समय दर्शन में आप भक्तों को भवन पे 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक का समय भी लग सकता है। बहुत ज्यादा भीड़ इस समय यात्रा पर देखी जा रही है। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ और वेटिंग देखने के लिए मिलती है। जून महीने की अगर बात करी जाए तो आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, इस समय लगभग 3 दिन की वेटिंग अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। ऐसे में मेरा भक्तों के लिए सुझाव रहेगा कि आप अर्धकुंवारी मंदिर परिसर आ सकते हैं, अपनी यहाँ से दर्शन पर्ची ले सकते हैं और वो पर्ची ले जाने के बाद आप भवन जा सकते हैं। भवन भैरव बाबा की जब आप दर्शन करके अगले दिन वापस लौटते हैं तो तब तक उम्मीद है आपका नंबर आ जाता है। अगर आपका नंबर निकल भी जाता है तब भी आपको दर्शन करने की अनुमति मिल जाती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बताना ना भूलें आप यात्रा करने के लिए कब जा रहे हैं। माता नैया भक्तों की यात्रा सफल करेगी, संपूर्ण करेगी, यही मैं कामना करता हूं। और आप जरूर यात्रा करने के लिए जाएं, कमेंट में जय माता दी लिखें। वहीं अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें, पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।